काफ़ी असेंबली लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी है। कर्नल ने बताया कि करीब 500 सक्रिय लोग तो उनके अपने रोड पर ही हैं, 5 क्षेत्र भी बांट रखे हैं आप लोगों ने कर रहे हैं। अच्छा कर रहे देश में
में हमारे गायत्री के साधक भी ना और गायत्री के पुरोहित भी हो, बहुत बड़ी क्रांति हो गई। अब कोई कार्यक्रम कराने के लिए, कोई धार्मिक आयोजन कराने के लिए किसी को किसी पंडित की तलाश नहीं है, जन्म से ब्राह्मण की तलाश नहीं है, वो किसी को अटपटा भी नहीं करता। अग्रवाल जी कार्यक्रम करा रहे होते हैं, अग्निहोत्री की आहुति दे रहे होते, सामान्य बात नहीं थी, लेकिन हो गया। देखते देखते बहनों का ही हो गया, मेहनत कर रही है, यज्ञ भी करा रही है, प्रवचन भी करा रही है, योग भी करा रही है, सब कुछ चल रहा है, वो किसी को अटपटा नहीं करती। पिछला सिंहस्थ जो हुआ था उज्जैन में, हमने वहां जा करके दिया था, हमने कहा लंबाए एक हफ्ते हम भी रहे, हमने वहां कहा कि हम एक हफ्ते बहनों की टोली भेजेंगे, यहाँ सारे मठों के एक से एक गुरुवर्धन बैठे हैं और घोषणा कर रहे हैं हमारे यहाँ योग से लेके यज्ञ तक सब बहनें करा दी, किसी कोई कह नहीं दे सब बड़े साहब ऐसा भी होगा। एक बहुत बड़ा काम हो गया, इस आधे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन हम गुरुदेव की निगाह से देखो, ऋषि की निगाह से देखो, ये सब युग निर्माण के लिए हो रहा था, युग निर्माण के लिए हो रहा है। अपना लक्ष्य रखो, दूसरों से मुकाबला करोगे लेट जाओगे, हम जैसा कोई नहीं, अरे तुम्हें किसी से मतलब नहीं है, हम युग निर्माण के लिए आए हैं। युग निर्माण मतलब है समाज का, दुनिया का कोई क्षेत्र न छूटे और समाज का कोई वर्ग न छूटे। अरे कोई हमारे सुनेगा, कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तुम इस ऐसी हत में आ गए तो लोगों को सुनाते रहो तो नहीं, वो उस हत में आ जाओ, कोई माने ना माने से क्या मतलब। लोग कहते हैं मैं लोगों से कहता हूँ लोग सुनते नहीं, बोलो सुन नहीं, तू गया कि नहीं सो बताऊ, बस वैसे कुछ बाकी तो उनकी शक्ति काम करती है। जो उन्होंने दीप यज्ञों की बात की, उन्होंने कहा था कि देखो वैसा है कि यज्ञ हमने क्या किया था, गायत्री सद्बुद्धि और सद्भाव की स्थापना के लिए, और यज्ञ सत्पुरुषार्थ और सत्कर्म की सार्थकता के लिए। यज्ञ अनुशासन में पुरुषार्थ लगेगा, कर्म होंगे तो सार्थक। मैं तो डाकू भी कम नहीं करता, संगठन तो इसमें बस का भी क्या कम नहीं कमजोर, और आपस में बहुत ही बोलता है, वो सब ठीक है। तो एक आदमी का भाव भी हो गया इसमें, उन्होंने ठीक है ठीक है, जुड़िए किसके सार्थकता के लिए है, हमने कर दिए जो माध्यम बनाए थे और हम मुख कर रहे हैं, लेकिन फिर बात वहीं रह जाती है। कृष्ण जो अपने लिखा है कि ये कार्यक्रम बड़ा लक्ष्य बड़ा है, इतना बड़ा जितना कि उसका नाम युग परिवर्तन, कोई वर्ग नहीं छूटना है, कोई क्षेत्र नहीं छूटना, हम जाने की बात करें। तो उन्होंने कहा कि यज्ञों का क्रम हमने चलाया, लेकिन हम यज्ञों की परिपाटी बदलने की जरूरत है, हमने क्यों चलाया सही भीड़ वाले। अब आप वैसे जवाब भी देते हैं वैज्ञानिक के लाभ होगा, वैज्ञानिक लाभ होता है तो उसके लिए इतनी भीड़ को परेशान करने की क्या जरूरत है, क्यों सर एक बिल्कुल कंट्रोल्ड एटमोस्फियर में यज्ञ की व्यवस्था बनाए और 24 घंटे यज्ञ चले, क्यों आपके सब क्या नहीं। गुरुदेव की वाणी से दुर्ग चलता रहे और रिले से आवधि बढ़ती है, किसी की और मुट्ठी भर भर क्या होती फेंक के सोचता मैंने ज्यादा कमने कमा ली है, ये तो मुफ्त खोरी की बात है, इनको लेने की क्या जरूरत। यज्ञ पे जो प्रतिबंध लग गए थे, यज्ञ को लोगों ने अपने से दूर समझ लिया था, वो लोग भी झिझक झिझक चाहे जैसे आओ उल्टे आओ सीधे आओ, अभी काम यज्ञ करो देखो कुछ नहीं होता, लोगों ने फैल करा रखा पंडित को यज्ञ तो ऐसा होता वैसा होता, वो हट गए।
अब तो यज्ञ को यज्ञ की डेफिनेशन में लाने की जरूरत है कि विधवाने यज्ञ करते रहो। बाबूजी हैं साहब के बहुत अच्छा है और बड़े कहते आ गए, लेकिन ये कड़वा बोलते हैं,
एक कड़वापन दिख रहा और बाकी इनमें उड़ सकता तुम हंस मूर्ति तो आई अलग करो इसको, क्योंकि ये संसार जो है उसी राशि ने कहा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की बनता। ये दुनिया जड़ और चेतन और गुण और दोष मिला के बनता, यहां जड़ है वहां चेतन भी है, चेतन की पहचान जड़ से। चौथा, मेरे अंदर चेतन आत्मा है लेकिन मेरी पहचान तब तक है जब जब तक जड़ शरीर है, ये चला गया तो चेतन की पहचान जड़ से है और जड़ का संचालन चेतन से, जड़ चेतन। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अब इसने जहां जड़ है वहां चेतन है, यहां चेतन है वहां जड़ है, ऐसी ठंड नहीं है यार यार तुम इतना हमें वो मन बना दो कि हर द्वार जाके फिर सही मिल जाए। ऐसे गुण दोष का कोई आदमी ऐसा लिया जिसमें दोष ही दोष गुण हो ही नहीं, और कोई ऐसा लिया जिसमें गुण ही गुण हो दोष न हो, क्यों सर मिला अरे साहब बड़ा सुंदर है और साहब सुंदर में नाच करता हूँ कैसे सुंदर, और ये इज्जत का भी संबंध अरे हमारी नाच रहे तो नाग सौंदर्य का भी प्रतीक है और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है, क्यों सर नाग और जो टपक पड़ती है बेबगर सब काट के फेंक दो या फिर टपक पड़ती ये कैसे हो रहा था। भोजन करते हैं जीव स्वाद लेती है लेकिन स्वाद तब ले पाती है जब दांत उसको चबाते हैं, अंदर का रस बाहर आता है और वो चबाने में जीप पड़ गई ना तो फार के पेड़ को तो ले लो स्वाद बेकार की बात नहीं करते। ये सब ऐसे ही है, हंस वृत्ति के बगैर जीवन की सार्थकता बन नहीं सकती। गुण दोष का अलग करो, दोष का बचाव करो और गुण का लाभ करो। तो यह हंस वृत्ति पर ही, और दूसरा है अगर इस वृत्ति को करें तो इसको कह सकते हैं विचार करो, विचार इतना परिपक्व कि वो कर सकते हो अलग हम समझ रहे ठीक है आलू को जान तो जानते हैं दोष बता हम गुण भी जानते हैं तो गुण बता रहे हम दोष भी जानते हम इनसे प्रसन्न हो गए अभी बड़े मेहरबान है लेकिन जब इनसे पसंद है तब भी इनमें भी दोष हैं और फिर हम नाराज हो गए अब इनको पास नहीं आने दे तो हम नाराज हो गए तब भी इन लोगों गुण हैं जिनने हमें पसंद किया या भी भूल जाते कि जब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तब भी उसमें दोष है और हम किसी से नाराज हैं तब भी उसमें गुण है अरे साहब अब ये तो हमने कह दिया तो अहंकार में आ गए यार विवेक के पास तो कह दिए क्यों इतने कैसे निश्चित कर रहा इसको महत्व देना। अब इसके बाद है समझ में आ गया ये हो गया उसका निरीक्षण हुए अब दूसरी प्रवृत्ति है उसकी की हंसा मोती चुगने की लंघन कर जाए अभक्ष नहीं खाएगा ये नैतिक प्रवृत्ति है एक अच्छा विचार है अरे यार ये तो होगा नहीं अरे ये तो चलता है तो जंग नहीं चलता नहीं हंस की ना चलता नहीं वो तो लंघन करना पसंद है कम में काम चलाना पसंद है लेकिन गलत नहीं। अब ये बड़ी हो जाए कि हमारे पास तो ईमानदारी पर श्रम की कमाई है अरे साहब दे जाते हैं उसे लगा दो कई परमार्थ हमारे कई लोग ऐसे जो अपने आप दे जाते हैं अभी अभी हम जहाँ से आ रहे हैं तहसीलदार साहब से सब डूबरी उनके लिए दबी रहती है बस ये कह देते कि ठीक है तो अच्छा है तुम्हारा काम करो क्या कह रहे ये समाज का काम कर दो कर दे खुशी नहीं हम अपने सीखना तो कहने का मतलब ये है कि हंस की वृत्ति
उधर जाने की जरूरत है। अभी तो ढर्रे की गायत्री और ढर्रे का यज्ञ चल रहा है, अब आगे हम जानना, वो तो हो गया, वो मूर्छा तो फतेह हो गया, गायत्री भी सब तक पहुंच गई और एक भी सब तक पहुंच गया, और ये उसमें जटिलता थी वो भी सॉल्व हो गई, हमारे के लिए सुलभ भी हो गया। अब अगला कदम तो बढ़ाओ, पहले पहले प्रवेश कर दिया, और उसके आगे नहीं बढ़ गई, अब आगे जीवन से गायत्री एक एक कदम बढ़ाओ कितना। तो अगर हम गायत्री जपते हैं और हमारी वृत्तियां अगर शुद्ध नहीं हो रही हैं, तो या तो गायत्री में शक्ति नहीं है या तो हमें भक्ति नहीं है, दोनों से सही बात हो। क्यों सर, हम इतने दिनों से गायत्री कर रहे हैं, हमारी वृत्तियां शुद्ध नहीं हो रही, हमारा साहस बढ़ नहीं रहा, निरक्षीर विवेक शुद्ध का विवेक कर और मुक्ताचर ये साहस है, नहीं गलत तो नहीं हो, कष्ट में रहने के लिए गलत तो नहीं, तो साहसिकता में आकर नहीं दी, सही को महत्व देने की, सही को समर्थन देने, गलत को अपने से दूर रखने की। और कई लोग हैं हमारे वो बिलासपुर में थे, बोले को बहुत दूर लगे थे चतुर्वेदी, उनका बड़ा काम था जल मुश्किल बनाते थे, एक हमारे शिक्षा विभाग में थे, तो उनमें मित्रता खूब थी, लेकिन वो बातें बहुत करते थे चतुर्वेदी जी, तो काम कम करते थे, तुम तो जाते थे हम गए उनके यहाँ लेके उन्हीं के यहाँ लेकिन उन्होंने कहा तो बोले तुम तो खाओगे नहीं, बोले हमें नहीं खाऊंगा, उन्होंने उनके यहाँ खाना बंद कर दिया, तब बात कर रहा था, बोले जिस दिन तुम काम के लिए बराबर से निकलो तब खाऊंगा तुम्हारे, लड़ाई थी विश्वकर्मा जी थे, बहुत अच्छी बात दोनों को बराबर जिंदगी भर निभी, लेकिन वो है ये गलत है ये गलत है, इसके साथ वही इसके साथ तुम बाबू देख बात मोहनते चलते खर्च, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन कब बाजी कम करो काम पढ़ा, क्या कोई कमी है तो झगड़ना जरूरी थोड़ी है ना, वो भी तो हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अब ये वृत्तियां तो जीवंत गायत्री और जीवंत यज्ञ, खूब यज्ञ किया लेकिन जीवन में तो यज्ञ नहीं आ रहा है, प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, स्तुति में कहते हैं यज्ञ की मूर्ति बोले ऋचाएं धारण करें, और एदम नमक का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हराहुति के बाद एदम नमक बोलते हैं ना, और झगड़ा जब होता है तब एदम मन का ही होता है, ये तो मेरा ये तो गलत से है, इतने दिन यज्ञ किया यार अभी तक एदम नमक नहीं आया, जिस दिन एदम नमक आ जाएगा उस दिन आपके अधिकतम स्वर्धन कट जाएंगे, फिर उसने दिया था उसके में लगा दिया, फिर देगा फिर लगा देंगे हल्के, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मम से तो वो आता है, इसी तो देश आता है, इसी तो ममता है, इसी तो राजमेश्वर होता है, इसी तो दुश्मनी बनती है ही नहीं, तो वो नहीं आता। इसको गुरुदेव ने कहा है क्या अपने अंग अवय आया भैया चुपचाप बैठ अपने अंग अवय में एक ही भी बड़ी जबरदस्त बात है, गुरुदेव कुछ बड़े होंगे पूछते हमने उस जगह से देखा वो ना देखा, अब भारत का दुनिया में सबसे पुराना आध्यात्मिक इतिहास है हजारों वर्ष का है, आप देख लो गुरुदेव के पहले जितने भी महापुरुष संत पुरुष हुए हैं वो दीक्षा देते थे और अपने बाद एक दो मुख्य शिष्यों को दीक्षा का अधिकार दे देते थे, रामकृष्ण परमहंस ने, लेकिन गुरुदेव उतना भी नहीं रहा, शरीर छोड़ना मथुरा से विदाई के समय ही वो सात निबंध है, उसमें यह भी है कि कोई गुरु
नहीं बनेगा, दीक्षा चालू रहेगी। मेरे प्रतीक लाल मशाल को रख दे, प्रतीक उन्होंने मशाल कहीं चित्र को नहीं कहा, तो उनका सही स्वरूप समझना है तो चित्र से नहीं है, उनका सही स्वरूप है तो राम श्रीराम से बात नहीं करें। मैं फिर अपने लोगों से कहता हूँ कि अच्छा मान लो कि गुरुदेव के पिताजी ने उनका नाम चोखीलाल रख दिया हो और गुण यही होते तो आप आचार्य चोखीलाल की जय बोल रहे हो, सच है क्यों सर? और वो लंबे ना होके नाटे होते, गोरे ना होके सांवले होते तो आप उसी को पूज रहे हो। तो असली स्वरूप उनका असली नाम व्यक्तिवाचक नहीं है, गुणवाचक नाम सही है, वेद गुरु तपो ऋषि आचार्य युग ऋषि ये है, इसीलिए हम पूज रहे हो, इसीलिए उसके नाम की मानता। तो असली नाम उनका ये है, असली पहचान उनकी ये है, शरीर से थोड़ी। गांधी जी छोटे थे तो भी कहते थे चप्पल खून का वजह क्या, तो कहने का मतलब असली स्वरूप उनका वेद पुरुष आचार्य वो उनका सही स्वरूप, उसको पहचान। और सही नाम सही रूप उनका तो सही रूप मशा कहा आपने मेरे ये शब्द मेरी तीन उंगलियां मिलकर लिख रही हैं, लेकिन कलम की स्याही छुप जाए हुई है घर तो अभी ये बात खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि चेतना स्तर पर इसका प्रभाव बना होता है। तो उन्हें अपनी पहचान चेतना आप सबके स्वयं समृद्ध शक्ति का नाम वह व्यक्ति है जो ये लिख रहा है, ये शब्द अपने आप सबकी संयुक्त शक्ति का नाम वह व्यक्ति है, आत्मा का समुच्चय पर उसको उस रूप में जान उसी पर रखना। कह दिया कि मेरी प्रतीक मशाल रख करके जो कोई नया स्वयं सेवक भी दीक्षा देगा उसकी दीक्षा फलित होगी और हो रही है, हमारा सामान्य व्यक्ति जो आया समझ नाम में आया वो कर रहा है दे रहा है बड़े बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े विद्वान की दीक्षा और सफल हुई, कितना जबरदस्त परिवर्तन हुआ होगा छुटे कल्पना करिए। ये ऐसे ही उन्होंने अभी तक इन्होंने कहा अपने भक्त कहे अपने शिष्य कहे अपने पुत्र कहे लेकिन गुरुदेव लिख रहे अपने अंग अवयव ये उनकी अनुभूति और ये हमको सम्मान ये मेरे मित्र हैं ये लगा नहीं देखा कहना पड़ेगा ऐसा करो तो वो सुनता है व्यस्त है तो लेकिन अंग को कुछ कहना नहीं पड़ता सोचा और अंग सक्रिय हुआ वो हर संवेदना और हर उत्साह को अंग अनुभव करता है और व्यक्त भी करता है। तो गुरुदेव ने तो हमें अंग अनुभव कह दिया हमारी चेतनाओं से तक पहुंची क्या हम उनकी हर दर्द को हर उत्साह को क्या समझ पा रहे हैं हर पीड़ा और हर उत्साह हमें अनुभव होना चाहिए नहीं तो अंग अवयव तो है लेकिन लगवा नर्वस सिस्टम ठीक कनेक्शन ठीक है कहीं टूटा कहीं खड़ा है तो कोशिश कर लिया थोड़ा कुछ कर लेते हैं और कोशिश कर रहे हो नहीं पा रही कैसे नहीं हो रही अज्ञान है अब साधना जब कर लिया जब कर लिया उधर ने अपने आंदोलन को साधना बेस बनाया इसीलिए कि साधना के बगैर टिकाऊपन नहीं है बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है ब्यूटी पार्लर में जाकर के गणपति सुंदर बन के आ जाते हैं एक दफे मुंह धोया टिकाऊ पर नहीं सुंदर तो नहीं जाएगा
लेकिन जितना मुंह धोए उतना ही निखरे, वो सौंदर्य तो भैया साधना से आया है। स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ विचार, स्वस्थ पाया करना, पहा रहा गया वो तो साधना से आया जा सकता। क्यों सर फिल्म में दिखाना है और हीरो क्या क्या करता है? अरे भाई मुझे तो नहीं है सो आपको पता है। मैंने कहा था ना वो कर रहे थे और वो हमारा वो उन्हें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जो जमान था और कूद जाता है और तिमंजली से कूदता है और गाड़ियों को कुदा देता है और क्या कर जाता है और एक एक्शन में विलन का भूसा लग गया सो अस्पताल में भर्ती हो गई टिकाऊ तो ही गया जान पे लगे। ये प्रदर्शन तो हो सकता है लेकिन टिकाऊ पर तो शांता के बगैर नहीं। और हमारा है युद्ध निर्माण जैसा अभियान, इसका आधार साधन ही हो सकता। साधना माने सब कुछ साधन, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों की साधन, व्यक्ति परिवार समाज तीनों की साधन। तो साधना को भी उस हिसाब से सोचना है। तो अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी साधना को भी पदोन्नति देना है, को भी जीवंत बनाना और यज्ञ को भी जीवंत। उन्हें कहने से यज्ञ का दर्शन लोगों तक पहुंचाना है, गुरुदेव ने कही क्योंकि कुंडी यज्ञ में खर्चा भी बहुत होता है, अदर भी बहुत होते हैं और जहां ज्यादा खर्चे होते हैं वहां हेरा फेरी की गुंजाइश भी ज्यादा होती है। तो उन्हें कहा बंद करो, नहीं तो ये कोई व्यसन बना लेगा और किसी का व्यवसाय बन जाएगा, है ना यार मजा नहीं आ रहा। एक बड़ा यज्ञ बना हम करवाएंगे, ये आगे हो गया सब चंदा इकट्ठा कर लिया और हाँ इनकी भी पीठ ठुक गई, इनने अपना काम कर लिया, हमने अपना वहन पूरा कर लिया है, हम वो ये करेंगे व्यसन और व्यवसाय बन जाएंगे। और नहीं तो इनमें प्रतिबंध लगा देने पड़ेगा क्या कुंडी यज्ञ अपनी साधना अपने साधन। और उन्हें हमेशा रखा 58 के यज्ञ में शामिल हुआ था, उन्होंने कहा था सब लोग साधन का सब लोग साधन और अंशधन जिन्हें यजमान वो दिया था बतौर यजमान सब हटा दिया सब उसमें दिया था। यजमान वो बावन उपवास करें सवा लक्ष का अनुष्ठान करें, उस अवधि में कभी नहीं सवा लक्ष का अनुष्ठान करें और बावन उपवास करें तो उन दिनों 8 आने में पेट भरता था, आधे दिन का उपवास करें तो 54 नहीं बचती, 52 नहीं बचाई, 52 नहीं बचाई। तो उनने उसका पूरा का पूरा साहित्य वो 4 आने की पुस्तकें 52 पुस्तकों की सीरीज दिया वो सेट रख दिया तो पढ़ो और पढ़ो, वो भी यज्ञ के लिए नहीं रखा। और जो वो सामान्य आहुति दे रहा था उनको होता कहा था, उनसे कहा गया कि 24,000 का अनुष्ठान करो और 25 उपवास करो तो उसका 6.25 रुपये हो, तो 6.25 रुपये का 50 साहित इतना देते थे। तो न्यूज प्रिंट में छपवाया था पत्रक भी और चाबी साहबी और ये कितना था साहित्य बोल ब्रह्मांड से कह दिया था 1,008 रुपये। अद्भुत कर गुरुदेव ने कहा तो ये था शालीनता के नाते कि महाभारत काल के बाद इतना बड़ा यज्ञ प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन सही पूछा गया ऐसा यज्ञ प्रयोग कभी नहीं हुआ। मैं ऐसी गायत्री थी ना नहीं तो सीमित कुंडों में होता था, साधकों से पंडितों से ही कुछ यज्ञ कराया जाता था, अरे कोई करेगा हुई बिल्कुल अद्भुत नहीं आता सब कुछ क्या। तो उसमें कहा था कि जो आएंगे अगर हमारे पास श्रद्धा का धन आया तो हम सब व्यवस्था करेंगे, उन्हीं तो साधकों से कहेंगे नवंबर के लास्ट में ठंड पड़ने लगती है और यहाँ जैसे चलने थोड़ी उत्तर भारत की ठंड आए तो पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर के रात काटने की हिम्मत से आए और अपना चूड़ा मैंने चबा करके आहुति डालते यज्ञ तो हो। साधन हमारे पास अगर हमारे श्रद्धा के साधन आ गए तो सब आया तो बड़ी अच्छे व्यवस्था। तो ये जो बात है कि यज्ञ के साधनों की भी करती है क्या कहने का मतलब ये है कि गायत्री और यज्ञ को सद्भाव सद्ज्ञान के लिए गायत्री और सत्कर्म सब पुरुषार्थ किए गए तो उनको परोन्नति देती है। हम उसको
तो उन्होंने कहा कि जब तुम दीप यज्ञ करना तो यज्ञ में तो आप बैठोगे तो जो पहले की पारी में है वो दूसरी में नहीं है, दूसरे में तीसरी में नहीं है, अंतिम में नहीं है। तब जो देव पूजन पहले में होता है और शंकर के बाद में देव दक्षिणा के बाद में होता है कुछ आए, लेकिन दीप यज्ञ जो उन्होंने कहा था कि अपनी थाली अपनी वेरी अपना अपना दीप पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो और डेढ़ घंटे में पूरा यज्ञ का एक एक शिक्षण आपको पहुंचे। तो अगर लोक शिक्षण के लिए करना है तो दीप यज्ञ कोई मुकाबला नहीं, साधन भी कम कहीं भी कर लो ना दुमाना झक्कर है ना, अगरबत्ती में सामग्री जल रही है और उसमें घी जल रहा आहुतियाँ भावना कुछ सजा रहता आहुतियाँ कर दी पूरा यज्ञ प्रश्न किसी को किसी झंझट नहीं आपके। अब तो हमने दीपक जला के शुरू कर दी उनकी वास्तव में दीप यज्ञ वो है कि अपने सामने अपनी बिठाना ठीक है, जो नहीं है उनके लिए कि सामने उन्हीं को बिठाना। शुरू में जब किया था तो हमारे प्रसाद पार की शाखाओं ने 108 सेट खरीद लिए भाई आप अपनी थाली लाने को हम देंगे अपनी वेदी अपने साथ कर। ये उन्होंने कहा अब लोगों को तो आदत हुई थी तो किसी ने कहा कि उन्होंने कहा बेटा ठीक है तुम ठीक है तुम्हें। अब उन्होंने कहा अरे साहब कहाँ आपके दीप यज्ञ में कौन आएगा, गुरु की पहचान कौन आएगा, लोग रुचि तो नहीं। अब उनको कुछ बार असमंजस आया फिर किसने उन्होंने बेटा क्या है तू बोले मैं सब कर तो रहा हूँ दीप यज्ञ की तैयारी मैं नहीं खाऊ क्या ना। अब लोग कहते हैं कि लोगों की रुचि नहीं है कोई आएगा नहीं, अरे उनकी छोड़ तू क्या कहता है बोले साहब आपने कहा मैं तो करूँगा चिंता मत कर है ना। तो उससे जितनी बिछावट बिछाई जाए उतनी बिछा देना, जितनी तू बिछावट बिछा देगा उतने आदमी में बिछा दूंगा। वही जितना उन्हें शामियाना लगाए भर में हम इस गुरु के शिष्य हैं आप उनके साथ चलो तो फिर देखो आप श्रद्धांजलि समारोह में गए होंगे वही अपने आप में चमत्कार कर 2 जून को गुरुदेव ने शरीर छोड़ा पंद्रह जून से मानसून ब्रेक हुआ आपके यहाँ 1 जून से जो दिया बोले 15 जून से मानसून ब्रेक होते 13 जून को माता जी ने उनके अवशेष सरसर प्रकट क्या में रखे और श्रद्धांजलि समारोह की घोषणा कब 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर इतना समय था बीच में आधा जून जुलाई अगस्त से 3.5 महीने वो भी बरसात के 15 जून से मानसून ब्रेक हो जाए और आयोजन को मिस न कर तो फिर कैसे होगा। वहां प्रदीप शुक्ला करके कलेक्टर थे आए सब देखा कि हम मनाएंगे नरोजन को देव आचार्य जी की चमत्कार हो जाए तो हो जाए वैसे ये तो होता तो देखता नहीं ठीक है। अच्छा अनुभव भी किसी को नहीं हमारे यहाँ थे जिसका अनुभव विदाई सम्मेलन करता 58 के यज्ञ में तो हम सरसर के रूप में गए थे लेकिन पूरा कि उसका तौर किसी को अनुभव नहीं लेकिन ठीक और हुआ वही 3.5 महीने में बीहड़ बन भी साफ हो गए वो भी हो गया बेटा कहाँ कहाँ से कौन सी मदद आ गई कहीं मिट्टी ने उधर भेज दिया कहीं हो गया और सब समय पर हो गया। तब तक ये अयोध्या कांड विस्फोट हो गया और मंडल आयोग हो गया की हालत ये थी कि आदमी इतना ज्यादा विप्लव था कि अपना मोहल्ला छोड़ के बाहर नहीं निकल रहा था घर से निकलने में सहम रहा था आदमी। तब वही शुक्ला जी कभी आते थे दौरे से आते थे इंतजार तैयारी करने कर ली लेकिन अब ऐसे में कौन आए लोग घर पर तो मोहल्ला छोड़ के नहीं जा रहे थे इतनी दूर जबकि यहाँ कौन आएगा। लेकिन वही बात थी जितना उन्हें बिछावट बिछा लो उतने आदमी उठा लो जितने हमने नगर बसाए थे उतने व्यक्ति आ गए कैसे आ गए ट्रेनों से भी आ गए और कैसे होते हमारे यहाँ आने वाली ट्रेन भी चलती रही बसें भी आई हमारे रोडवेज वालों ने भी लगा दिए कि भाई इस बस को कोई छेड़ता नहीं है उसी हालत में आए भी हुआ भी चले भी क्या। लेकिन संकल्प तो करो हम तो यही करें तू करेगा कल कई जूनागढ़ वाले सामान ग्राम सेवक थे उन्हें मैं साफ करूंगा पति जी बड़ा होगा ना मैं कभी भी थे वो भी थे बहुत सम्मान और बढ़िया से नंबर में भी बात करूँगी मैं खड़े जाएंगे और उनको जमीन के लिए कोशिश की मिल रही थी तो उन्होंने चप्पल छोड़ दिया
आया अच्छा अच्छा चप्पल छोड़ दिए ठीक है ठीक है ठीक है काम नहीं और यहाँ से लोग निकल जाए तेरा काम कर दिया कर दूंगा नहीं कर दिया यहाँ से गए कोई मैडम थी मिनिस्टर उनसे किसी काम में गए सड़क में चल रहे थे गाड़ी रोकी उन्होंने पानी पिला दो गाड़ी रोकी अरे पता नहीं हाँ नंगे कर क्या जरूर रख अरे साहब जमीन के लिए कहा है और वो फाइल अटकी हुई कहाँ अटकी है फाइल कल मेरे ऑफिस में आ जाओ दो दिन में की अब वो जमीन मिल गई वहाँ एक बाबा जी अपना अड्डा डाले बैठा मैं तो नहीं अटता मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ मेरे जी तो ये अटक गया अब बाबा से कहें भी बेचारा सीखा साहब आप बगैर बोलते रहे एक दिन गए वहाँ देखने तो बाबा जी अपना कमंडर लेके जा रहे हैं अरे महाराज कहाँ जा रहे अरे जा रहा हूँ जा रहा हूँ तेरा गुरु कहता मेरे लिए इतना नहीं करता छोड़ दिया जहाँ जहाँ से साल मना गया सब बढ़िया भारत है क्या तेरा काम कर दिया मेरे कहने का मतलब ये सब बातें इसलिए रहा हूँ कि अगला काम कठिन दिख रहा है लेकिन सही पूछे तो कठिन काम तो हम लोग कर चुके जब कदम कदम पे विरोध था बाहर वालों का भी अंदर वालों का भी घर वाले कहते पगला गया है ना तो पंडित कहते भ्रष्ट किए दे रहा है ये धर्म को चुनौती उसमें तो धक्का मार के हम लोग बढ़ गए आगे अब तो लोग स्वागत करते हैं आओ गए थी परिवार वालों को हम भी जड़े हुए वास्तव में कठिन काम तो हम कर चुके हैं अब तो लोग स्वागत करने को तैयार बैठे हैं और हम निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पा रहे क्यों अगला कार्यक्रम हमारा ऊंचा है तुम्हारी ऊंचाई बढ़ गई है कौन सी साल वो नहीं हो रहा सो नहीं हो रहा अभी भीड़ इकट्ठी कर ली उनमें से आदमी का चयन करना फिर उनको उत्साहित करना उनको प्रशिक्षित करना उन्हें काम में लगाना अब ये काम है वो हम हाथ में नहीं उठा रहे आप लोगों की स्थिति अच्छी है जितने कहा कि बताया उन्होंने कि 200 की संख्या में हमारे पास सक्रिय कार्य अच्छी बात ये कह रहे इसको पढ़ा चले लक्ष्य हमके सामने रखिए गुरुदेव ने क्या कहा है क्या हमें करना है और क्या हमारी संभावना है इन सब बातों को ध्यान रखें और है ये साधन तो साधन का भी स्तर भी कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहा है एक हवा चल रही है लोग जगह जगह सामूहिक साधनाएं करने लगे व्यक्तिगत साधना में तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं होती है लेकिन सामूहिक साधना में तो हमेशा ऊंचा लक्ष्य होता है बहुत अच्छा है सामान्य होती है और हमारी हैसियत भी होगी अगर हम संकल्प करते हैं तो एक दिन में 240,000 घरों में युद्ध कर लेंगे कम नहीं हुई होनी जा रही होगी ये हमारी हैसियत होगी विभिन्न सत्ता का प्रभाव देख रहे हैं कि नई नई लड़कियों को रटा के भेज दिया तो वो भी यज्ञ कराएंगे और सब संतुष्ट हैं बड़े बड़े पंडितों से लोग संतुष्ट नहीं होते हमारे भेजे बच्चों से भी संतुष्ट हो जाते हैं कहाँ से टीम लोग कर रहे हैं अभी पिछले कुछ साल से लोगों ने शुरू किया आ रहा है नहीं दे रहा है कुछ ज्यादा साधन का श्रावण मास में सामूहिक जागरण का होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम तक कर रहे हैं 1,000 लोग बैठे इसलिए हमसे प्रयास प्रयोग कर रहे हैं हमारी बातचीत चल रही थी जब 2,25,000 का सामूहिक अनुष्ठान हो सकता है कोई है ना बिल्कुल बना मनाया है वसंत पंचमी से लेकर होली तक पूरे 40 दिन वसंत काल वसंत काल माने जब नई ऊर्जा फूटती है वसंत पंचमी कहते वसंत का अवतरण होता है पक्का तो वह होली है होली को भी वसंत उत्सव कहते हैं ये वसंत का परिपाक का समय है तो बाहर की प्रगति पक रही हमारी प्रगति पक सकती है इस समय का इस बार लक्ष्य रखा है कि भाई 24,000 लोग तो 2,00,000 घरों में हम यज्ञ कर सकते 24,000 साधक देश विदेश में कर सकते हैं एक साथ अनुष्ठान वसंत पंचमी से होली है पूर्णिमा की सवेरे पूर्णावती हो जाएगी घर अपनी होली मनाओ होली में शामिल भी हो खेलो भी करें हो जाएगा तो अभी संपादकी जो हमने भेजा है उन्होंने रसोई में रखी भेजना पड़ा विचार कर के साथ लेके आए थे अभी क्या है आ जाएगा एक युक्त एक एक जनवरी का जो आएगा उसमें ये वो भी
लेकिन उसके बाद प्रभु ने कहा है लक्ष्य बड़ी बढ़नी थी और हमारी जीवन साधना की हमारी रुचि बढ़नी थी, क्षमता बढ़ी, जीवन साधना। गुरुदेव जो कहते हैं उन्हें अपने संसार में कौन से लोग पूछते हैं बेटा आपने कौन सा, गुरु जी आप ये बताओ आप कौन सा गायत्री मंत्र जपते थे? यही जपते थे। गुरु जी आप तीन प्रणव लगा देते कि पांच लगा और कौन सा बेटा यही है जो तुम्हें बता यही करते, तुम ये कौन सी आसन में बैठ के करते, तुम ये कौन सी मारा लेते हैं, यही पूछता रहे। ये तो सब पूछते, ये नहीं पूछते कि गुरु जी आपने अपनी जीव कैसी बना ली थी कि आपको उच्चारण स्खलित हो गए, आपने अपना मन कैसे बना लिया था कि आपका मन उसके गुगल से समझना सब, ये कोई नहीं पूछता है ना। तो इनमें हंस वृत्ति पैदा करो फिर बात बन जाए, और प्रभु जी होगी हमारी वसीयत यही बात नहीं है। बोले ये तो बाहर दिख रहा था, अंदर तो ये होगा बात बन गई। ये शाम में सोचने की, और फिर ये जो विसंगतियाँ आती हैं, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि जो विसंगतियाँ आती हैं आने का कोई कारण तो दिखता नहीं, एक ही गुरु, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, तो विसंगति कहाँ आती है? तो क्यों गुरु मैं ये कहता हूँ कि ये साधना स्वाध्याय की कमी है, स्वाध्याय की कमी है तो यही नहीं पता कि गुरुदेव के निर्धारित लक्ष्य क्या है। ये अपनी कहते हैं हम अपनी कहते हैं, ये मेरी क्यों माने, मैं इनकी क्यों माने, और गुरुदेव के संदर्भ से बोल नहीं पाते क्योंकि स्वाध्याय नहीं। अभी मेरे भाई लोगों से बात, ये तो बात बताओ गुरुदेव ने जीवन साधना के बारे में क्या कहा, जीवन देवता की साधना करा तो हरे को पढ़ो वासन लगाओ इसके, या पढ़ के आओ चर्चा करो। संगठन की रीति हमारी सबसे भिन्न है, शक्तिपीठ बन गया, शक्तिपीठ बन गया, हजार गुरुदेव ने क्या संकल्प से शक्तिपीठ बनाए थे उस समय सबने कहा था, विशेषांक ने कहा था, हमने करे पुरानी हो गई बात। तो 88-89 में उन्होंने घोषणा की थी शक्तिपीठ बनाने की, फिर जब पड़ा क्या करो, और गुरुदेव को गए हो गए 29 साल, लगता नहीं क्या वैसे 29 साल तो गुरुदेव को गए होगा, 25 साल माता जी को गए होगा, समझ आते पता थोड़ी लगता है, वो अगर उसको नए कर संपादन करके नए धन से लिख दिया। गायत्री शक्तिपीठ ऋषि की दृष्टि हमारे दायित्व, अब देखो उनकी क्या दृष्टि थी उससे अब हमारा क्या दायित्व, अब सोचो आप हमारे संगठन की रीति। और युद्ध निर्माण योजना की बात करें तो वो तो सार्वभौम संगठन है, एक पुस्तक भी ये तो कह रहे हैं गुरु जी की जय गुरु जी, योग निर्माण की बात कर लिया, सबके गुरु सिद्ध हैं और सबके गुरु भगवान हैं, गुरु जी गुरु जी शुरू करोगे तो फिर योग निर्माण से जुड़ना मुश्किल हो गया, उसका फल ठीक है जो भी गुरु हो ये तो करो क्यों सर आप लोग ये करें। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है, जो सीखना उसे मिल रही है कि नहीं, पता है कि इसको विकसित करने वाला गुरु कौन है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे कंप्यूटर हो लैपटॉप हो, किसको पता है, नहीं पता है। फिर आपको लाभ कैसे मिल रहा, गुरु को तो नहीं पूजा आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गुरु को तो नहीं पूजा, लेकिन लाभ कैसे मिल रहा, कि उसका बनाया अनुशासन समझ लिया और उसको पालना है तो लाभ मिल रहा है, बात ठीक है। गुरु का नाम सुनो चाहे ना सुनो, समझो चाहे ना, उसका अनुशासन ही इसका स्वरूप है, और वो पकड़ लोगे तो समझे। इसलिए एक और छोटी ये पुस्तक बनाई थी शंकर गुरुदेव की बात लिख कर संदर्भ सहित, युग ऋषि की योजना समझे समझाए लाभ उठा, उनकी योजना क्या है समझो भाई, समझाओ भी हम ही भूल जाए, समझो समझो फिर लाभ उठाओ, जिसने अनुशासन पकड़ लिया उसको लाभ मिलेगा। योग पुरुष का, योग शक्ति का, योग ऋषि उन्हें चाहे जानता हो चाहे ना जानता, ठीक है आप अपने गुरु को मानो, लेकिन युग निर्माण करना तो इसका अगर टेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखना है तो यही अनुशासन है, अगर उज्जवल भविष्य की तरफ चलना है तो यही सूत्र है।
क्या सुनते ब्रह्मा सत्संग जिसे उनके भविष्य में जाना है, इसके अलावा कोई आपको नहीं सकता, दुनिया में सब कुछ है, कोई ना नहीं होता। कई भाई साहब इस्लाम की बात कर रहे हैं, सबसे कट्टर वाले हैं, लेकिन मैं रामपुर भी गया, कानपुर भी गया, और लखनऊ भी गया, और हैदराबाद दारुल उलूम भी गया, देवबंद में है दारुल उलूम, वहाँ भी है, लखनऊ में भी है। दारुल उलूम जो है यहाँ उनमें उनका डिग्री कोर्स है, और हैदराबाद में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो एक है भाई हमारे तारीख मोहम्मद साहब, उन्हें रुचि किया, उन्हें खुदे खुदे से मिले थे, उन्हें कुछ बनाया किया, भाई वहाँ बैठे हुए। तो उसके जो फाउंडर थे रहमान साहब, राइट साइड कर रहे थे, एक वो थे उन्हें संस्कृत में पढ़ा था, वो एंकर का काम कर रहे थे, वो तब हंदोई थे। अब मैं एक निर्माण का सत्संग उर्दू करवा के सब, अब हैदराबाद गढ़ है उनका, तो उनके एक मस्जिद के हॉल में शायद इतनी बड़ा हॉल रहा होगा, छोटा होगा, पूरा भरा था वो सब एक उर्दी वाले का, क्योंकि रहमानी साहब ने बनाया, सारे मॉल भी मुफ्ती सब आके बैठे थे। हमने ऊपर से बटवा दिया था, पहले तारिक साहब बोले, हम बोले, हमने सब एक निर्माण योजना की बात की, पिंड ऑफ साइड में सब सुनते रहे, रहमानी साहब बहुत अच्छी भाषण के लिए खड़े हुए, उनके भी सामने था। तो उनकी टिप्पणी ये थी, हम तो समझते थे कि हमने इस्लाम को बहुत समझ लिया, लेकिन आज हमें लगा कि आपने तो इस्लाम का कुरान का इत्र निकाल के रखा। ये चीज़ हमें हमारा चाहिए, ये जो युग निर्माण के सूत्र हैं, युग निर्माण सत्संग है, तो इस्लाम का इत्र लेते हैं, हम तो समझ रहे थे हमने बहुत समझ लिया, हम तो कोशिश ही नहीं कर रहे, पहुंचाओ तो कम्युनिस्ट में पहुंचा दो, नास्तिक में पहुंचा दो, कोई नहीं, उज्ज्वल भविष्य सबको चाहिए। तो ये तो गुरुदेव के लिए स्थायी युग है, युग परिवर्तन की शक्ति मशक्ति, वो दुर्गा समझ में नहीं आई, सबको समझ में नहीं, देवताओं की शक्ति से वो दुर्गा वाहनी कैसे बन गई, लेकिन अच्छे लोगों को मिलकर मशाल बनती है और वो क्रांति करते ही व्याख्या वाले चित्र गुरुदेव का है, ये शक्ति है जो उज्जवल भविष्य ला सकती, वो हर जगह खड़ी हो सकती, इस मोहल्ले में भी, उस मोहल्ले में भी, गरीब में भी, अमीर में भी, इस्लाम सब पर ये खड़े हो जाए, अच्छे लोग इकट्ठे हो जाए। और दिक्कत ये अच्छे लोग ज़्यादा संख्या में हैं, बदमाश कम संख्या में हैं, लेकिन वो संगठित होना जानते हैं तो भावी में जानते हैं। क्यों सर, क्यों तो एक उद्देश्य के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए खो जाते, हजार दोष है उनमें, लेकिन अपने उद्देश्य के लिए खो जाते, चाहे स्मगलर हो, चाहे ब्लैक मार्केटियर हो, चाहे टेररिस्ट हो, हमसे कई गुना दोष है, लेकिन वो संगठित हो जाते हैं उद्देश्य के लिए, और हम भरे आदमी होते हैं, ये तो कमी है, कमी कमी दिखती है। और जितने अच्छे लोग इकट्ठे हो गए उस दिन तो बदमाशों की बोलती हाँ था, सही शक्ति सामान्य होती है। यदि लोग कहते हैं, हमने कहा उसने लड़की कोई छेड़ने लगा, कोई लड़की कहा ऐ क्या करता है, क्या करता है, चुप हो जाते, चुप हो गए, और एक साथ दस खड़े हो जाते हैं, आगे वाले उधर पीछे वाले राष्ट्रपति में डर संगत, लेकिन हो रही ना, तो वो दुर्गा शक्ति समझ में आए चाहे ना, ये शक्ति मुसाफ शक्ति सबकी समझ में आए, समझा हो ये शक्ति खड़ी है, छोटे में छोटे रूप में, बड़े में बड़े रूप में शक्ति बनी, और सूत्र यही है उज्जवल भविष्य की, उज्जवल भवन की शक्ति ये जागरण करो, और सूत्र ये अपना देखो मुझे अपने अपनी भावना से, अपने अपने इष्ट के नाम से करो, उज्जवल भविष्य की प्रार्थना तो करो, ये कहने को नहीं लगता। तो अभी हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और दिशा
अच्छा हमारी बात ठीक है और पुरुषार्थ भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी इसको और प्रकार करना, क्योंकि अगर लक्ष्य देखोगे अभी हम कितने परसेंट क्यों सर बड़ी कहते हैं हम इतने हैं उतने हैं इतने हैं सो हैं, लेकिन किसी का कहा हुआ है सोसाइटी एग्जिस्ट ऑफ 5% अपोजिटर्स एंड 5% क्रिएटर्स एंड 90% अच्छे शब्द कहो तो फॉलोअर्स और बुरा कहो तो फूल्स, यहाँ पर बड़ा भारी होकर गड़बड़ है वो लड़के नंबर 5% जो होते हैं एक उल्टा रास्ता चलते हैं, अब आप 50% छोड़ दो 20% छोड़ दो 5% होके दिखा दो थोड़ा देखो नहीं 5% माने 100 करोड़ में 5 करोड़ निश्चित और 700 करोड़ में 35 करोड़ देखो आप बहुत होते हैं 5 पांडव बहुत होते हैं 100 करोड़ के लिए 5% 100 करोड़ के लिए 5 पांडव बहुत होते हैं, लेकिन भेद देखने वाले पांडव नहीं बन सकते, एक गिफ्ट रहने वाले पांडव बनते हैं, और समय पर बड़े भैया युधिष्ठिर की वृत्ति बिल्कुल अलग और भीम की वृत्ति बिल्कुल अलग, और जो नकुल में नहीं था और नकुल सहदेव तो वैद्य भी बहुत अच्छे थे और एक गौ विद्या का एक अश्व विद्या का बहुत ज्ञान था, सब अलग अलग अरे अलग अलग हुए तो क्या सब मिल करके तो समग्र हो गए जी, अरे ये तो ऐसा है तो देख नहीं रहे वो एक हो गए तो कृष्ण मार्गदर्शन के लिए खड़े हो गए, वैसे अगर देखा जाए तो संख्या में और गुणवत्ता में पांडव नहीं जीते थे कौरव के आगे, इसकी हिम्मत थी भीष्म को तो वो देता था उनको अकेला चरण पांचों भाइयों को भारी पड़ जाता था, वर्षम समा तो ये ले बैठा था कि मुझे कर दो तो सबको हो ना क्वांटिटी ना क्वालिटी में कहीं नहीं टिकते थे, लेकिन उद्देश्य के लिए तो हमें अपने अगली ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब अगला चरण एक बार फिर खत्म करूंगा कि एक सफलता मिली एक क्लास में आप पास हो गए, अगले क्लास की बड़ी चुनौती क्यों है ना, माध्यमिक बोर्ड पास कर लिया अब हाई स्कूल बोर्ड की बड़ी चुनौती वो कर लिया तो फिर सेकेंडरी की ओर थी फिर यूनिवर्सिटी फिर और उसने आगे बढ़ोगे उतनी चुनौती बढ़ती जाने वाली है, प्रसन्न हो तो अच्छी बात, लेकिन प्रसन्नता के बाद जो है अभी चुनौती पड़ी है क्योंकि अभी आगे भी तो चलना है भाई युग निर्माण तक पहुंचना है, और ये बात का नाम शास्त्र थी उन्होंने कहा आप कैसे बढ़ गए तो उन्होंने ये बात कही थी कि हर सफलता के बाद मैंने सोचा कि अभी चुनौती बड़ी आएगी और मुझे अपनी 50% क्षमता बढ़ानी चाहिए, तो मैं अभी चुनौती पकड़ता रहा मिसाल मैन से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच, ये सफलता अच्छी है मनोबल बढ़ाती है ठीक है, अरे अब तो हो गया ये सही, अरे अब तो सब हमारे यज्ञ में सब आते हैं और हमारे लोग सब ये मन कर हो गया ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो बहुत बड़ा जो हमने किया है वो सराहनीय है, लेकिन आगे है वो बहुत अच्छा लक्ष्य को मिल रहा ठीक है, तो बस ये निवेदन करना था और आपके यहाँ मतलब बड़ा अच्छी संभावना है, हमारे देखा भाई साहब बहुत अच्छी व्यवस्था है, अब कहा ये कह रहे थे भाई साहब हैं सोचिए नेगेटिविटी बहुत कम है, मैं ये कह रहे थे थोड़ी बहुत है नेगेटिविटी क्या है अंतर ठीक है यही शक्ति है, जो गुण इनमें नहीं है वो इनमें है, जो इनमें नहीं है वो इनमें, यूँ देखो ना जो इनमें है उनमें है ना, भिन्नता तो है लेकिन वो चीज़ है जो इनमें नहीं है मिलकर के हम पूरा कर लेंगे बहुत अच्छा है, बस यही कहना था।
सारी रंग से जो आया सो अच्छा है। अरे हमें कह दी, अब अपने मन में कोई बात हो, आपके मन में कोई बात हो, उसकी जिज्ञासा हो, कुछ कहना चाहें, घर से लेके परिवार से लेके साथ से तो कर लीजिए, तो बीच में जिसमें भी लगाए जाए। तो ये जो है अभी कुछ ऐसे सहज हो, और अगर ऐसा हो कि हमें ग्रुप से बात करना है तो भोजन की बात पे करें, बुजुर्ग अपनी बात कहना चाहिए, वो अपने बहने अपनी कहना चाहिए, लेकिन सब बात ना हो। बोलिए चुनौती ये रहती कि अभी हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है यहाँ पर, सब लोग जॉब करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, कुछ लोग सिर्फ संडे छुट्टी मिलती है, तो जो ये प्रोग्राम कम समय में हम जा सकते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बातें पहुँचा सकते हैं, क्योंकि जो पूरा पद्धति होता है उसमें बहुत समय लग जाता है, और जो कार्यकर्ता उनके पास भी समय कम है, तो संक्षिप्त में विचारधारणा के अनुसार नहीं जा रही है, वो जब गुण दोष जो आप बोल रहे थे वो जब वो दिखाई देते हैं, और उसके लिए एक कार्यकर्ता ने क्या करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, कितनी बहने हैं जो जॉब करती हैं, कितनी गृहणियां हैं जो हाउस वाइफ हैं, आप तो व्यस्त व्यस्त को देख रहे, खाली बैठे उनको भी देखो ना भाई, उनकी संख्या कम नहीं है और उनकी आस्था भी कम नहीं है, लेकिन हमें लगता यही हो रहा है, ठीक है आपने ज्यादा क्षमता, आप घर भी देख रहे होती है, जॉब भी देख रहे, लेकिन अपने पास है तो वो घर भी देख सकती है और इधर काम को रेगुलर कर सकती है, अगर वो ही एक एक ग्रुप बन जाए, ठीक है ना, और वो ही रोज 5 नए घरों में संपर्क करें, अगर आप ऐसा लगे 5 नए घरों में संपर्क करें एक टोली, तो 10 दिन में 50 घर, उसको 3 बार रिपीट करें, 50 को संभाल सकती है, 50 घर माने लगभग 400-500 जो नहीं हो रहा उधर कंसंट्रेट करते, जो हो सकता उधर ही पहले। कोई मेरे आने की बात चल पड़ी थी, किसी कार्यक्रम में गया दोपहर में, हम तो आए थे वहाँ के लोग, गुजरे को दोपहर की गोष्ठी से लाए, वो जब शाम को यहाँ ठहरे थे, शाम को आप बुलाने आए कि देखो, मैंने कहा मैं हूँ बाहर से, आप मुझे यहाँ व्यवस्था थोड़ी कर दी, बोले शाम को फ्रेश व्रेश होकर के आए, पूरी कार्रवाई की छत के बीच सर, पूरी यहाँ लेट गई छत और होता भी सर, तो मेरे मन में ये याद है कि हमारा मिशन बहुत अच्छा है, हमारे सूत्र बहुत अच्छे हैं, लोगों को जरूरत भी है, सब लापरवाह भी है, लेकिन लोगों में इधर रुचि नहीं है, ठीक कहा ना, लोगों की रुचि कैसे बदले, ठीक कहा ना हमारा प्रश्न। अब गुरुदेव का जब थोड़ी देर आसमान की तरफ देखते हैं, बोले रुचि बात में बदलना, पहले जिनकी रुचि है उन्हें समझा दो, झटका लगा, मैं कुछ कह रहा हूँ ये कुछ जवाब दे रहे, लेकिन फिर समझ नहीं आया वो ये मैं कह रहा हूँ कि जॉब करने वाली कितनी है और गृहकार करने वाली कितनी, उस पर ध्यान दो, तो जितना हम ये नहीं सुनते इन्हीं पे हम वक्त खराब कर रहे हैं, इनको छोड़ो भाई इनके पास जाओ, तो जिनमें रुचि है उन्हीं को समझाओ, तुम्हारा समय उन्हीं के लिए कम पड़ जाएगा, तो पत्थर पे तीर क्यों चलाते हो भाई, और एग्रीमेशन का भी ढंग है, पहले जो आसान क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, समाज में भी फैलने का जो आसान तरीका वो पहले, एक बात। दूसरी बात, आप लोग ये कहो कि हमें काम करेंगे, सैटरडे संडे तो है, ठीक है, एक दिन गृह कार्य का और एक दिन मिशन का, ठीक है, रोज गुरुदेव ने 1 घंटा रोज मांगा कम से कम, कोई
प्रज्ञा पुत्रों को 4 घंटा, भगवान मुस्तियों को पूरा समय। अगर औसत निकालें तो 2 घंटे औसत निकल सकता है, हृदय से जुड़े, लेकिन निकाल नहीं रहे। अच्छा चलो, अब यूँ आप कर लो, और देश की बात नहीं कर सकते, तो देश की बात करता हूँ। यहाँ की इतनी दीक्षाएं हो रही है, गुरुदेव 53 से दीक्षा शुरू की, वर्षों में 1-1 लाख दीक्षा हुई, आपके हिसाब से कितने करोड़ व्यक्ति दीक्षित हो गए? करीब अंदाज में लो, हैं? कम करो, 10-12 करें। अच्छा हम एक मोटा हिसाब मान लेते हैं, फिर 2 करोड़ तो हो गए होंगे, मान लिया कि इसमें तो कोई शक नहीं है। अब हिसाब लगाओ, 2 करोड़ व्यक्ति, उसमें 1 घंटे वाले भी, 4 घंटे वाले और 8 घंटे वाले, तब तो औसत निकाला 2 घंटे। 2 करोड़ व्यक्ति के रोज 2 घंटे, रोज कितने हुए घंटे? 4 करोड़ घंटे। 8 घंटे का एक वर्किंग डे, 4 करोड़ में 8 का भाग दो, 25 लाख फुल डे वर्किंग। भारत की सेना से दुगनी शक्ति आज है हमारे पास, अगर हम इस्तेमाल करें, गलत तो नहीं कह रहा, भारत की पूरी सेना से दुगनी शक्ति 8 घंटे रोज के हिसाब से डेडिकेटेड। लेकिन बात कहां है, गुरुदेव ने कहा उसमें कंसंट्रेट नहीं करना, वो समय निकालना चाहता है, तो सूझता नहीं कि क्या करें, और आपको सूझता है आपके पास समय नहीं, आप उसे सुझाने लगो वो करने लगे काम हो जाए। तो जॉब करने वाले वो सोचे कि ये जो गृहणियां हैं इनकी योग्यता हम बढ़ाएंगे, काम करें चाहे न करें, है ना, हर सटे में 4 घंटे का उनका एक क्लास नहीं, देखो क्या प्रमाण होता है, शक्ति कम नहीं है, बड़ा मोर्चा है तो मोर्चे ले जाएंगे। तो शुरू करो, ऐसे भाइयों को कहता हूं, अगर देखें 2 तरह के व्यक्ति देखिए, ऑन वर्क ऑफ रिटायरमेंट और जस्ट रिटायर्ड, जो ज्यादा रिटायर हो गए वो तो फिर डल हो गए, अब तो हम रिटायर, ढीला हो गया तो फिर हो गया, ढीला पढ़ नहीं पाया याद होने वाला, जो ऑन दी वर्क ऑफ रिटायरमेंट है, घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी, पैसा खूब है, अब साइकिल की नौकरी कर रहे, क्यों सर, अब क्यों कर रहे, अरे करेंगे क्या, अरे यार अब आगे इतना काम पड़ा है क्यों क्या, और किसी के अध्ययन के साथ जुड़े होते तो बात होती, ऋषि के साथ जुड़े होते क्या करेंगे, एक हमारे अजी भाई हमें कर ले दो यार, तू वॉलंटियर रिटायरमेंट आए, बोले हम कभी अब खाली वजह करेंगे क्या, एक काम तो मैं बताता हूँ, हमने जाओ समाधि में और गुरुदेव के सामने जाके मुर्गा बन गया, और ये कहना गुरुदेव हम आपसे जुड़े आपके अंग अंग कहलाते हैं, समझे ना, और अभी तक हमें आपका काम नहीं दिखाई दे रहा, जब तक काम नहीं दिखेगा तब तक हम उड़ नहीं बने, ये काम तो मैं बता दूँ, ठीक है काम बड़े पड़ता है, और क्या काम करेंगे, हौसला नहीं है तुम्हारे भीतर, चेतना तुम्हारी निश्चय लगा जुड़ नहीं रही है इतनी सी बात पर, और एक बार के लोग तो मैं ही पूछा जाता हूँ, और भाई साहब मैंने ये किया, और भाई साहब मैंने ये किया, और कोई आते नहीं, आते हैं चले जाते हैं, तुम्हारे पास रुकेगा कौन, तुम तो उसे सहयोगी या प्रतिद्वंदी मान लेते हो, ये आ गया तो फिर ये भी पूछा जाने लगेगा, तुम्हारे साथ ऐसे भी कहते हम लोग नहीं आते, क्या साधना करने बता देते, एक साथ कोई सारा उन्होंने बताया, गुरुदेव के पास जाओ और कान पकड़ के उठक बैठक करो, आँख भर के बोलो गुरु जी हमने बहुत साधना की, लेकिन हमारी साधना बांझ रह गई, अभी तक एक भी कार्यकर्ता पैदा नहीं हुआ, हमसे प्रार्थना करो हमारी साधना बांझ रह गई, सही बताता कोई नहीं आता, कमी है लोगों की, लोगों को उठाना नहीं जानता, लोगों को सम्मान देना नहीं जानता, लोगों को निखारना नहीं जानता, कहता कोई होता तो वह क्या लाइन लगी हुई लोगों की,
मैंने कहा ये तो विद्वानों और बहादुरों का ऐसा संयोग है, विद्वत्ता में काशी दक्षिणी काशी कहते हैं और शौर्य की परंपरा तो किरत पसंद है, या तो महाराणा प्रताप का क्षेत्र या तो शिवाजी का क्षेत्र, शौर्य की जगत परंपरा में मुझे खंड में चंद्रशाल का क्षेत्र और वैसे तो पूरा देश ही है। तो मैं निवेदन कर रहा कि हम जो नरवई उधर बहुत से रात भगवान एक नहीं चार रात थे, हम एक ही रात का देखने की आती है समझ में आई ना रहे, बहुत किसी का सही उपयोग करो अच्छे से अच्छा उपयोग करो। अरे क्या करें साहब, अगर मान लो गुरुदेव अगर समय का नियोजन न करते तो क्या कहते, मेरे मन में बहुत कुछ करने का लेकिन क्या करूँ, भगवान ने मुझे अभी 24 घंटे दिए, अगर ज़्यादा घंटे दिए तो मैं करके दिखाऊँ, 24 से ज़्यादा तो देगा नहीं किसी को नहीं देता। उन्होंने कहा 24 घंटे ही मैं करना, उन्होंने अपना टाइम सेट किया, उस टाइम सेटिंग का क्या बेस्ट पॉसिबल की कोशिश की, तो कहते थे मैंने एक जीवन में 5 जीवन जी लिए हैं, सदग्रस्त का, साधक का, विद्वान का, लेखक का और धर्म संगठक का, और तीनों के चारों मानों के अपने कीर्ति माने, ऐसा ग्रंथ भी इतना जबरदस्त गुण नहीं मिले, ऐसा साधक जो लाखों लोगों को दे रहा है उसका गुणान ही खत्म नहीं हो रहा जो जीवन भर साधना कर, ऐसा विद्वान जिसे चलता चलता ऐसा ही ग्रुप नहीं है, ऐसा लेखक जिसको देख के भी हमने बताया पुस्तक में देख के भी लगता है यार एक ही गलती का लिखा है, और धर्म संगठन अभी तक का सबसे प्रमाण है कि अपने जीवन काल में बुद्ध के साथ सबसे ज्यादा व्यक्ति जुड़े अपने जीवन काल में, और गुरुदेव के जीवन काल में बुद्ध से भी ज्यादा व्यक्ति जुड़े, तो 5 जीवन जी लिए कैसे जी, समय का अच्छे से अच्छा उपयोग कर रही बस। और वैसे तो कहते हैं 80 साल में 80 साल का काम कर रहे, तो ये है वो उनसे वो कहते बेटा हमसे हमारा कौशल सीख करो, हमसे हमारी इच्छा वो बता दें, वो सब है जैसे हम यज्ञ में हमने कोशिश की तो अब छोटे से किसी कहो आपको सपुंडिया करना ही कर दिया, वो आ गया हैसियत उसकी भी नहीं है, पैसा भी नहीं उसके पास, लेकिन हो जाए उसे भरोसा हो गया कि चेतना आएगी कर लेंगे, अब ये करोगे तो इसमें भी हो जाए, वो तो आएगी तो चेतना का सहायता उसको होती है इसमें नहीं होती, ठीक है ना, हमें युग निर्माण घर घर पहुंचाना है बस, तो मैं तो ध्यान में चल, अरे ऑफिस में भी बात तो चलती है, बात करो ना उसी को बात हुआ, ये ऐसा सर ये हो सकता है कि आप देख नहीं रख करो, लेकिन थोड़ा साधन स्वाध्याय को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने तो हिम्मत की भाई तो कोई मुंडी नहीं, अच्छा चलो ठीक है, और एक पूछते हैं। हाँ और पूछो, उदाहरण वो है जो व्यक्ति अपने आप से प्रदर्शित कर सके वो नहीं होता है, तो तब क्या होता है कि आप ये मत देखो, कोई भी आदमी शुरू करता है तो आसान से शुरू करता है, और सूत्र भी तो कपड़ा पहनना सबसे आसान लगता है, तो ठीक है ना, लेकिन वातावरण भी पीले करते वालों से बन रहा है, हरे साथ राजनीतिक पार्टी वाले तो पैसे देकर के रैली में जोड़ते हैं आपको तो निष्ठावान मिल जाते हैं, ये घटिया बात नहीं अच्छी बात है, वो कहीं है अब, अभी आप लोग ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे, ये मत सोचो कि ये धोखा दे रहे हो डेवलप नहीं, अभी वो अपने आप को डेवलप कर नहीं पा रहे, आप उनके डेवलपमेंट में सहयोग करो। अच्छा और कोई कहे अरे साहब ऐसे थे, हाँ अभी अभी वो जुड़े थे, लेकिन देखो कल वो ऐसे थे आज वो यहाँ, इतनी प्रेरणा इतनी प्रगति आपके आसपास किसी की हुई तो बताओ, अरे साहब वो बातें बड़ी बातें तो गुरु जी की करता है,
वो तो कम जानकार है, कम कर पाए आप तो ज्यादा आराम कर कि हमारे पास प्रदर्शनी भी बहुत जबरदस्त है, जो तो प्रदर्शनी लगाते हैं ना इतनी मेहनत से लगाते हैं, है ना। अरे साहब यहां भी एक दफे किसी काम से हमें जाना था, वही कच्छ पूरा महादेव का है, दिल्ली से बैठे तो रास्ते लंबी यात्रा थी, उन्होंने फ्लाइट से जाना था नहीं हमारे साथ लाल जी से, ये कैसा है अब कहीं यहाँ हमने कोई सरवा के देखा, अरे वो नहीं हमारे लोग ये देखो ये देखा देखो उन्हें अच्छा बातचीत हो गई, अपना बताया सो गए सवेरे उठे फिर किसी का उसे अरे यहाँ भी लिखा है यहाँ भी आप वहाँ हैं। अब वो लिखने वाला इतना चरित्रवान नहीं बनता लेकिन उसने वो लिख दिया है वो लोग तो प्रभावित कर रहा है ना। और ये छोटे छोटे लोगों की निष्ठा भी बड़ी अद्भुत होती है। एक उदाहरण मैं रीवा गया पता बढ़ा वहां में वी सी आए हैं रीवा विश्वविद्यालय के और वो इधर उनकी रुचि है तो उस दिन शाम की सभा है उनके अफकर कहते हैं उनको सभा में बुला लेते हैं चलो आज गोष्ठी में बुला लो कार्यकर्ता गोष्ठी में। तो उन्हें खबर की तो वार्ड पहले से आके बैठ गए उनको रुचि थी तो हम जब पहुंचे ऐसे ही सबके बीच में बैठ कर बुलाया हमने अपनी बात कह रही सुनते रहे। उसके बाद अब आप भी कुछ कही तो उन्होंने शुरू किया अरे अब ये बात है जो आप कह रहे हैं तो आप जैसे देवता तो मैं लोग ही कह सकते हैं शिष्टाचार हो सकता है कि होगी। फिर कुछ कहना शुरू किया बिजी थे और उसके पहले वो पीएचयू में साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट में चले थे तो थे और फिर अपनी बात कह रहे फिर बोले ये बात तो आप जैसे देवता तो लोगों के मुंह से ही शोभा देती है। उन्हें फिर लगा कि ये मैं बार बार कह रहा हूँ बोले मैं ये शिष्टाचार में नहीं कह रहा हूँ मेरा अनुभव है कैसा बोले जब मैं वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था तो मेरा एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉई लेबोरेटरी अटेंडेंट वो गुरुदेव से जुड़ा हुआ और वो चूंकि बोलते तो कभी रात उठ रहे हैं तो उठ रहा है कभी सवेर जल्दी आ तो आ जाए और उसके बदले कभी कुछ नहीं चाहता लेकिन कभी कोई किताब नहीं है सर ये बहुत अच्छी जगह कभी वो हम गया था साहब आपको प्रसाद ले आया हूँ कुछ दिनों चला मैं यार ये कैसा आदमी है मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये सबसे जूनियर फोर्स क्लब है लेकिन उससे मांगता नहीं मुझे देने की सोचता है ये क्या बात है। फिर मैंने फर्क तब पता पड़ा यार ये तो कोई अद्भुत पुरुष है जो एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय को देवता बना देता है कैसे मेरे पद का मेरी प्रतिष्ठा का मेरे प्रभाव का मैं से खुश हूँ ये मांग तो मैं दे भी सकता हूँ लेकिन इसकी मन में नहीं आता मुझे ही देने की सोचता इसलिए मैंने कहा कि आप इन्होंने तो आपको देवता तुल्य बना वो भी नहीं देवता वो भी अपने ढंग से करते अब उनको डेवलपमेंट के कोर्स में आप मदद करिए ये तुम्हारा बहुत अच्छा अच्छा ये चीज हम बताएंगे हाँ था हम करके देखो उनका उत्साह थोड़े से ऐसे हैं जो है उनकी उपेक्षा वो अपने आप के नामे हो जाएंगे ठीक है ना। तो यह रहने की बात नहीं प्रशंसा करो बच्चे को बच्चा है ना तो उतना बोलता आ ना भैया फिर बोलो टिंकिल टिंकिल लेते लेता है हाँ आए हैं बाबा भैया ने वो भूल भूल छुआ तक अरे बाबा भैया उल्टा बोला हमें तारी बजाए अब वो सही सीख जाएंगे बच्चा है प्रोत्साहन तो अगली बात तो हो जाए ध्यान तो बड़ा पड़ा है गुरुदेव का एक कमाल है कि जो उनसे जुड़ा है उसे चैन नहीं पड़ता उनका किए हुए चाहे गाली खाए और चाहे प्रशंसा लाए आपस में भी डर पड़ेगा ये भी कर भाई फोन करते हाथ चलना कल से नहीं आएंगे सवेरे ये भी चल पड़ेंगे वह भी चल पड़ेगा ये उनका कमाल है। तो ये भाव देख करके ये कहीं इसका जुड़ाव है तो हम उसका नाम किसी आगे बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा ठीक है सर अगला काम हो जाए।